देश भर में जहां महिला सुरक्षा और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं महिला और बच्चों के प्रति निष्ठुर समाज का निर्दयता और निरस्ता भरा चेहरा कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। सिहारा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कोई बेरहम एक नवजात बच्चे को झाड़ियों में कूड़े के ढेर में फेंककर चला गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने बच्चे का उपचार कराया। मौके पर पहुंचे लोगों की माने तो बच्ची एक कपड़े में लिपटे थैले में पड़ी थी। मौके पर पहुंचे डॉक्टर अबरार ने बच्चे का इलाज किया। फिलहाल एक शख्स ने इस बच्चे को अपनी सुपुर्दगी में ले रखा है। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोई बात ना, अरे तो थोड़ी आपको हाथ धोलेंगे, जो तो जाऊंगा कुछ मतलब है। जिस टाइम पे सुबह 8-9 बजे वो 7:30 बजे के बल्ले पेट में बच्चे आए थे, 8-9 साल के बच्चे थे। जिस टाइम पे यहाँ बच्चे सामान लेने के लिए आए थे, उसके हिसाब से यहाँ पे जब आए थे ना सामान लेने, तो बच्चे यहाँ पे रो रहे थे, थैले में पड़ी हुई थी, कपड़े में लिपटी हुई। उसके हिसाब से जिस टाइम पे आया ना, बच्चों ने देखा कि आ रहे थे, तो वो जो है ना डर के मारे भाग गए। भागने के बाद उन्होंने जब खोल के देखा कि इसमें क्या है, उन्होंने देखा तो एक बच्ची थी। बच्ची के साथ जो है ना उनके माँ पेरेंट्स आए, माँ बाप आए बच्चों के साथ कि देखा तो वो, तो फिर वो लेके अपने घर पे गए। घर पे ले जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि वो मसला पूरा है, यानी ओवरऑल कम्प्लीट उसके बच्चे के जो है साथ में थी, मेरे सामने काटा। उसके बाद मैंने टेटिस का इंजेक्शन लगाया, बस इतना मुझे इस मामले का। बच्चे को दे दिया गया किसी को? बच्चे को दे नहीं दिया, लेकिन वो जब हम गए यहाँ से लेने के लिए कि जिसके बच्चा नहीं था उसे दो, तो वो बोले हम पालेंगे, हमें इस बच्चे की जरूरत है।